हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सखी रुकू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भ में बेटा होने के कुछ लक्षणों के बारे में। दोस्तों, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके मन में ये सवाल चलता रहता है, एक्साइटमेंट भी रहती है कि उनका आने वाला बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा और उन्हें ये कैसे पता चलेगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे लक्षण देखेंगे गर्भ में बेटा होने के, जो हमारी दाई माँ होती थी, बूढ़ी बुजुर्ग औरतें होती थी, वो गर्भवती महिला को देखकर बताती थी। उन सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आती है तो इसे एक बार लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये छोटा सा डिस्क्लेमर आप ज़रूर देखिए। दोस्तों, जो सबसे पहला लक्षण है वो है आपके मूड को लेकर। जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो आपकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिला को पल पल पे गुस्सा आता है, रोना आता है, उनका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा सा हो गया है, तो ये गर्भ में बेटा होने का लक्षण माना जाता है। तो काफ़ी लोग ये मानते हैं कि जब आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और आपका मूड काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, तो ये लक्षण गर्भ में बेटा होने का माना जाता है। दूसरा लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला के बहुत ज़्यादा अनचाहे बाल निकल रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ ऐसी होती है जिनकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, धीरे धीरे उनका दूसरा तीसरा तिमाही स्टार्ट होता है, तो उनकी बॉडी में अनचाहे बाल काफ़ी ज़्यादा दिखने लगते हैं, हाथों में, पैरों में, बाजू में, और हल्की सी दाढ़ी मूंछ भी उनको दिखाई देने लगती है। मतलब कि आपके फेशियल हेयर जो है वो भी आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो ये भी माना जाता है कि जिन गर्भवती महिला को अनचाहे बाल ज़्यादा निकलते हैं, ये गर्भ में बेटा होने का लक्षण माना जाता है। अगला जो लक्षण है दोस्तों, वो बहुत ही खास है और काफ़ी लोग इसे मानते भी हैं। लक्षण ये है दोस्तों कि अगर आपका बच्चा लेट हलचल करता है, यानी कि 5-6 महीने के आसपास अगर आपका बच्चा हलचल करता है और कम करता है, तो ये गर्भ में बेटा होने का लक्षण माना जाता है। लोग ऐसा काफ़ी मानते हैं कि जो बेबी बॉय होते हैं वो लेट हलचल करते हैं गर्भ में और थोड़ी कम हलचल करते हैं, और वही दोस्तों लड़कियां बहुत चंचल मानी जाती है, लड़कियां जल्दी हलचल करती है गर्भ में, ऐसा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपके 6-7 मंथ हो चुके हैं फिर भी आपके बच्चे की हलचल आपको महसूस नहीं हो रही है, तो ये थोड़ी चिंता वाली बात है, आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। या फिर 24 घंटे में जितनी हलचल करनी चाहिए उतनी हलचल आपका बच्चा अगर नहीं कर रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम वाली भी बात हो सकती है, तो इस बारे में आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आती है, ये भी बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है। दोस्तों, ये थे वो सभी लक्षण जो हमारी बुजुर्ग औरतें बताती थी गर्भवती महिला को देखकर। लेकिन दोस्तों, इन सभी लक्षणों का कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, आप इससे बस अनुमान लगा सकती है, आपको कंफर्म नहीं करना है कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक बार लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।